पुलिस के डर से भागा अमृतपाल, कैसे बनी गिरफ्तारी की योजना, जाने क्या था पुलिस का पूरा प्लान। पंजाब पुलिस लगातार खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अभी तक अमृतपाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हालांकि उसके कई करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों की माने तो पुलिस ने करीब 78 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने अमृतपाल के मार्गदर्शक दलजीत कालची को गुरुग्राम से हिरासत में लिया था। पंजाब में इस समय पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जालंधर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू होने के साथ ही अमृतसर समेत कई जिलों में कड़ा पहरा किया जा रहा है। पंजाब से लगने वाली सीमाओं पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं अमृतपाल के गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन खबरों की माने तो अमृतपाल को गिरफ्तार करने की योजना अभी की नहीं है, बल्कि इसका पूरा खाका उस वक्त तैयार कर लिया गया था जब लगभग 15 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। एनडीटीवी में छपी एक खबर की माने तो मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कथित तौर पर दोनों के बीच 2 मार्च को ही बैठक में इस बारे में चर्चा हुई थी। वहीं अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की माने तो 15 दिनों पहले ही पुलिस ने तैयारियां कर ली थी। अमृतपाल सिंह को रामपुरा पुल जाते वक्त गिरफ्तार किया जाएगा। रामपुरा पुल में अमृतपाल को शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होना था। दरअसल 28 फरवरी को पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 120 कंपनियां भेजने की मांग की थी। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अमृतपाल सिंह के 23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने में किए गए हंगामे के बाद उस पर कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार तैयारियां कर रही थी, लेकिन अमृतसर में 15 से 17 मार्च तक चल रही G20 की बैठक को देखते हुए सरकार रुकी थी। हालांकि G20 की अमृतसर में रविवार और सोमवार को 2 बैठकें और होनी है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इसके तुरंत बाद केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बलों के 2430 जवान और 8 रैपिड एक्शन फोर्स पंजाब में भेजे गए थे। हालांकि जवानों की इतनी तैनाती को देखते हुए किसी को शक न हो, इसलिए सरकार ने कहा था कि होली के दौरान होला मोहल्ला त्योहार को देखते हुए सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं। सभी की निगाहें होला मोहल्ला त्योहार पर थीं कि अमृतपाल को इस दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। इस दौरान अमृतपाल ने बयान भी दिया था कि उन्हें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। शनिवार दोपहर से पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद होने का फैसला किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने शुक्रवार को ही इसके आदेश पारित कर दिए। आदेश में कहा गया कि समाज के कुछ वर्ग कानून व्यवस्था बिगाड़ने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने, जानमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा भड़का सकते हैं। इसके तहत कहा गया कि 2G, 3G, 4G, 5G, CDMA, GPRS, सभी SMS सेवाएं और सभी डोंगल सेवाएं अस्थायी तौर पर शनिवार से रविवार दोपहर तक बंद कर दी जाएंगी। योजना के मुताबिक अमृतपाल को लाने वाले रास्ते पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना था। ये रास्ता 8 जिलों से होकर जाता था। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, जालंधर और बठिंडा। सूत्रों के मुताबिक इससे यह आभास दिया जाना था कि ये सामान्य सुरक्षा ड्रिल है, क्योंकि अमृतपाल को यहाँ से जाना है। अमृतपाल सिंह को जालंधर मोगा सड़क पर मेहतपुर में गिरफ्तार किया जाना था। 2 अलग अलग कारों में सवार उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमृतपाल सिंह तीसरी गाड़ी मर्सिडीज में बैठे थे और वो भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।